दोस्तों हाल ही में बीएससी ने अपना सेंसेक्स डे सेलिब्रेट करा। सेंसेक्स डे पहला मौका है जब बीएससी सेंसेक्स डे सेलिब्रेट कर रही है। हालांकि सेंसेक्स इतने सालों से है बाजार में, पर 15 मई को उसने सेंसेक्स डे सेलिब्रेट करा। वो क्यों किया? क्योंकि एक साल पहले बीएससी ने अपने ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट को, स्पेशली बैंक एक्स और सेंसेक्स को रीलॉन्च किया था, काफ़ी ज़्यादा उसे ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश करी थी, और उसी का रिजल्ट ये रहा कि एक साल में बीएससी ने बाजार का 20% मार्केट शेयर हासिल कर लिया, जिसकी उम्मीद ना तो ब्रोकर्स को थी ना ही शायद खुद बीएससी को। इसी वजह से इस प्रोडक्ट में उभरती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए बहुत लोगों के मन में सवाल हैं कि किस तरह से बीएससी ऑप्शंस में अब ऑप्शंस की स्ट्रेटजी निकल रही है, किस तरह से उसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, क्या ट्रेडर्स करें क्या ना करें। इसी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ होंगे हरीश माटा सर, ही इज़ द डायरेक्टर एकेडमिक्स एट ICFM एंड ही इज़ द ट्रेडर्स ऑफ द ट्रेडर्स, ही इज़ द मास्टर ट्रेडर्स। हेलो सर। हेलो सर। सर अभी हम जैसे बीएस स्ट्रीट और ICFM के ट्रेडिंग फ्लोर पे हैं, तो आपसे यही जानना चाहेंगे अभी जो हम ट्रेडिंग देख रहे हैं, किस तरह से बीएससी के F&O में एक इमर्जिंग मार्केट ट्रेडर्स को दिख रहा है, और क्या हमारे यहाँ बीएससी सेगमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपको अभी बीएससी F&O में नजर आ रही है? जी लक्ष्य सर, देखिए इससे पहले भी बीएससी कई बार प्रयास कर चुका है कि डेरिवेटिव्स में काम किया जाए, और बीएससी ने अलग अलग तरह से लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम्स निकाली थी, इंसेंटिव्स दिए गए थे। बावजूद इसके जो बीएससी का जो डेरिवेटिव सेगमेंट था वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया, फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस बार आज से करीब 1.5 साल पहले जब ये सेंसेक्स दोबारा स्टार्ट किया गया, तो बहुत सारे ट्रेडर्स के दिमाग में शंकाएं थी, डाउट्स थी कि पता नहीं लिक्विडिटी आएगी, डेप्थ होगा नहीं होगा, लेकिन इस बार बीएससी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। हम सब लोग सेंसेक्स में काम करते हैं, और मतलब अगर मैं ये कहूं कि जितना हम लोग निफ्टी में कंफर्टेबल हैं ट्रेडिंग में, उतना ही सेंसेक्स में बीएससी सेंसेक्स में भी कंफर्टेबल हैं, तो ये क्यों अतिशयोक्ति भी है? बहुत बहुत बड़ी बात है सर। अगर निफ्टी को अगर हम मतलब जो NSE माना जाता है वो F&O का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बीएससी में सेम आप मूवमेंट देख पा रहे हैं निफ्टी वाला, तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर जी। तो किस तरह की सर अभी मतलब क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, मतलब क्या उसमें फायदा हुआ, किस तरह से हम लोग अभी बेनिफिट उठा पा रहे हैं उस चीज़ का? देखिए एक तो अगर हम इक्विटी सेगमेंट की बात करें, तो ट्रेडिशनल वे में जो आर्बिट्राज है बिटवीन NSE एंड BSE, वो तो हमेशा से एवरग्रीन आर्बिट्राज है। उसमें आपको जहां भी प्राइस का डिफरेंस मिलता है, लोगों ने अपने खुद के सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, आप NSE में खरीद के BSE में बेच सकते हैं या BSE में खरीद के NSE में बेच सकते हैं, और उसको वापसी सेटल करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपका जैसे ही एक जगह बाय होके सेल होता है तो इवन आपका जो मार्जिन है वो भी रिलीज हो जाता है। तो ये अपने आप में एवरग्रीन स्ट्रेटेजी है, ये तो कई सालों से चली रही है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स में बीएससी ने फिलहाल जो इनके जो सबसे मेन जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, एक है बीएससी सेंसेक्स, दूसरा है बैंक एक्स। जैसे हमारे पास बैंक निफ्टी है वैसे यहाँ पे बैंक एक्स है। तो फिलहाल हमारी जो टीम है यहाँ पे, हम लोग उनको एक एक्सपेरिमेंट हमने ट्राई किया था 2 महीने पहले, और उसमें अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। मैं हल्का सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, खासतौर से जो डे ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो थीटा खाने का होता है कि टाइम वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो प्रीमियम टूटते जाएंगे। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी ट्राई करी है, मैं आपको उसका हिंट देना चाहूँगा कि बैंकेक्स वर्सेज बैंक निफ्टी। बैंकेक्स की जो एक्सपायरी है वो हर सोमवार को होती है, जबकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो प्रत्येक बुधवार को होती है। तो हम लोग सोमवार को या मंगलवार को, अगर मैं आपको कहूँ तो मंगलवार को ये ट्रेड लेते हैं कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन को सेल कर देते हैं एंड बैंकेक्स की ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नजदीक है तो उसके प्रीमियम शार्पली टूटेंगे, जबकि बैंकेक्स की एक्सपायरी क्योंकि अभी थोड़ा दूर है तो उसके प्रीमियम कम टूटेंगे।
तो इस स्ट्रेटजी पे फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स काफी अच्छे। तो सर फ्राइडे में अब जैसे आपने बताया गया फ्राइडे में एक्सपायरी होने लगी, तो इसका कितना बड़ा एक शिफ्ट देखने को मिला। जनरली पहले ट्रेडर्स फ्राइडे को छुट्टी मनाने निकल जाते थे, तो क्या वो चेंज आता हुआ आपको दिख रहा है क्या, फ्राइडे को भी काम आ गया मार्केट में? जी देखिए, बहुत बहुत बड़ा चेंज है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग को अभी बीएससी डेरिवेटिव्स की फैसिलिटी नहीं मिली है, जो इससे वंचित रह गए हैं, तो हमारे पास बहुत कॉल्स आ रही हैं कि किसी भी तरह से हमें बीएससी सेंसेक्स की फैसिलिटी दीजिए। काम अच्छा निकल रहा है और आप ठीक कह रहे हैं, लोग पहले 3 वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टियां मनाने चले जाते थे, तो फ्राइडे को तो एटलीस्ट लोग जरूर आ रहे हैं, बेशक किसी और दिन चाहे उनको छुट्टी करनी। तो सर जैसे बीएससी की स्टेटमेंट भी आई कि अभी हमारे पास 400 मेंबर्स हैं जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं, और जैसे उनका टारगेट है इसको 600 मेंबर्स करने का, तो इसका मतलब तो फिर इसमें लिक्विडिटी और तेजी से ग्रो होने वाली है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो बीएससी का जो स्टॉक है वो पिछले कुछ 1-1.5 साल में लगभग 4 से 5 गुणा हो गया। तो उसका एक कारण ये भी है कि बीएससी सेंसेक्स में जो वॉल्यूम्स आए हैं और जो अर्निंग्स ट्रांजेक्शन टैक्स की शेप में बीएससी को हो रही है, तो नो डाउट वो अगर उन्होंने 600 बोले हैं तो वो 600 से भी आगे जा सकते हैं। एफपीआईज में भी सर वो कह रहे हैं कि 100 अभी एफपीआईज है हमारे पास, इसको हम लोग 250 करने वाले हैं एफपीआईज को। देखिए लक्ष्य सर, क्या होता है कि कोई भी एक्सचेंज जो तभी ग्रो कर पाती है जब उनके पास टूल्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेक्नोलॉजी होती है। तो जितनी मुझे समझ है और जो हम लोग के बीएससी के जो ऑफिशियल्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनसे जो हमारी बातचीत होती है, तो मैं सबको अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इवन टेक्नोलॉजी वाइज तो वो कई जगह और जितने भी एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं, चाहे वो NSE हो, चाहे MCX हो, चाहे NCDX हो, या कोई भी एक्सचेंज हो, उनसे भी बेहतर है। तो टेक्नोलॉजी वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग होपफुल हैं कि आने वाले टाइम में एक बड़ा मार्केट शेयर जो है वो बीएससी। कुछ सर स्पाइक्स भी देखने को अभी मिली थी, जिसकी वजह से बीएससी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि उन्होंने लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन एक पॉलिसी करी है, जिसमें एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर ही सौदे जाएंगे। तो कुछ ट्रेडर्स को आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि इस तरह से अपने जो रिस्क है उसको मैनेज करके चले, क्योंकि अगर मार्केट में डेप्थ नहीं होगी तो फिर तो अगर स्टॉप लॉस भी होगा वो अनशन प्राइस पे ही उसको एग्जीक्यूट होगा जहाँ भी उसको प्राइस मिलेगा। जी हाँ, ये मैं कहूँगा कि एक तरह से जो एक्सीडेंट्स हुए हैं इस टाइप के स्पाइक वाले, उसमें इंडस्ट्री में बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिनको समझ नहीं थी कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रिगर होगा, क्या स्टॉप लॉस जंप भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमने स्टॉप लॉस लगाया और फिर भी हमें सौदा नहीं मिला, तो उन लोगों के ह्यूज ह्यूज लॉसेज आए हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ट्रिगर प्राइस जो आप डालते हैं और जो लिमिट प्राइस डालते हैं, तो लिमिट प्राइस का गैप बड़ा रखिए। लोग क्या करते हैं कि 100 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस रखते हैं और 101 की लिमिट प्राइस रखते हैं, ऐसे सिनेरियो में जंप करने के आसार बहुत ज्यादा होंगे। तो पहली बात तो आप गैप ज्यादा रखिए, दूसरी बात अपनी पोजीशंस को हेज जरूर रखिए। अगर आपने कोई भी कॉल सेल करी है तो उससे 50, 100, 200 पॉइंट की दूसरी कॉल से उसको हेज करिए और ऐसी पुट को भी हेज करिए। तो हेज करने से सर उसके फिर 2 फायदे उसके हो जाएंगे, एक तो उसकी पोजीशन भी हेज हो जाएगी और दूसरा उसको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। यस, मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, वो ज्यादा क्वांटिटी में भी काम। ट्रेडर्स का ये भी एक कहना होता है कि सर मैं अगर पूरी हेज करूंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मैं हेज नहीं कर सकता इस वजह से। देखिए ये बेसिकली एक हैबिट है, जो जिनकी एक हैबिट है कि विदाउट हेजिंग हमें काम करना है, तो वो बिगड़े हुए ट्रेडर्स हैं, वो उनको लालची ट्रेडर्स हैं, उनको एक दिन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। एट द सेम टाइम वो लोग भूल जाते हैं कि कभी भी अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगानी चाहिए। पीछे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि जिन्होंने बेचारे पिछले 7-8 सालों में जितना अर्न किया था वो एक एक दिन में उतना लॉस कर दिया। तो देखिये ये तो मतलब ट्रेडर्स की मैं कहूँगा कि नॉनसेंस व्यू है कि अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हेजिंग करने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, तो बेशक कम हो जाए, लेकिन आप चैन की नींद सोते हो, आराम से अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो आप जा सकते हो, नहीं तो अगर आपने हेजिंग नहीं करी है तो आप समझ सकते हैं आपका क्या हाल हो रहा है। वो स्क्रीन के सामने जी बस अपना लगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से अभी स्पाइक्स वगैरह देखने को मिल रही है कुछ हाल फिलहाल में। कुछ लोगों का ये भी कहना है कुछ इलेक्शन वगैरह रीजन है अभी स्पाइक्स वगैरह आने का। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि इलेक्शंस तो एक इवेंट है और ऐसे इवेंट तो चलते रहते हैं, कभी फेड की मीटिंग होती है, कभी आरबीआई पॉलिसी होती है, तो कोई इसका इससे को लेना देना नहीं है। अभी
अपने चैनल के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जो स्पाइक्स आ रही हैं ये इसमें कोई बहुत बड़ा कार्टेल है जो मैनिपुलेशंस करते हैं, बदमाशी करते हैं, जिनकी वजह से बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। और अभी किसी भी हम लोग ये मतलब सेबी और एनएससी को हमने एक लेटर भी लिखने का हम प्लान कर रहे हैं कि अगर इस टाइप की कोई इंसिडेंट होता है तो उसका पता लगाया जाए। क्योंकि आप मान के चलिए कि करीब 1,00,000 लोगों का जो लॉस होता है वो मुश्किल से 5 लोगों के हिस्से में जाता है, एंड वो ह्यूज क्वांटम है। तो इस टाइप की जो मैनिपुलेशंस हैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो भी डेटा है एक्सचेंजेस का उनको अगर वो लोग देखेंगे तो उनको दिखेंगे। मतलब ये एक अलग चीज हो गई। पर अगर हम बीएससी और इसकी एफएनडो की बात करें तो वो एक वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अभी भी पूरी ट्रेडर्स के पास बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। एक उसमें चीज ये भी देखने को मिली कि पहले उसका लॉट साइज कम हो गया, 15 से 10 का अब लॉट साइज हो गया। देखिए यो हर एक्सचेंज का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े, तो पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लॉट साइज को कम किया जाता है। हमने देखा भी निफ्टी ने भी कम किया है, तो निफ्टी का जो 50 का लॉट साइज था 25 का हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो एकदम ठीक है। एक अभी ये भी आया सर कि सेबी से कुछ इनका चार्जेस को लेके भी कुछ असल बीएससी वालों की शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कि नोशनल वैल्यू पे आप चार्जेस दीजिए, वो कह रहे हैं कि एक्चुअल प्रीमियम पे आप हमारी फीस लीजिए। 170 करोड़ की अराउंड पेनल्टी जो है वो सेबी ने अभी इम्पोज करी है हाल ही में बीएससी को, जिसके उसके अगेंस्ट वो अपील भी कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट के जुरिडिक्शन में अभी ये है, तो कुछ भी कहना भी उचित नहीं होगा कि मतलब बीएससी के साथ जायज हुआ है या नाजायज हुआ है। जब डिसीजन आएगा उसके बाद बीएससी अपने आप में, क्योंकि एक्सचेंजेस अपने आप में एक रेगुलेटर्स का भी काम करते हैं। हाँ जी, तो रेगुलेटर्स की जो फाइट है तो ये यहाँ पे देखना होगा किस तरह से ये जो अंतिम फैसला इसका ये जाता है। हालांकि बीएससी ने बताया कि 170 करोड़ का उसने प्रोविजन ऑलरेडी रख दिया है। हाँ, वो आपके पास सही है, लेकिन जितने भी हम लोग जो क्लाइंट्स या हमारे ट्रेडर्स जो काम करते हैं, तो हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम का जो भी प्राइस होता है मल्टीप्लाइड बाय उनकी क्वांटिटी, उसकी जो वॉल्यूम होता है उस पे ब्रोकरेज या जो भी एक्सचेंज के एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, ये तो मतलब आप समझिए कि हजम करने लायक चीज है नहीं। आज 75,000 का अगर सेंसेक्स है और उस टाइम पे अगर 80,000 की या 77,000 की कॉल अगर 1 रुपए चल रही है, तो ये कह रहे हैं कि 77,000 प्लस 1 रुपी और उसके ऊपर जो टर्नओवर लगेगा, तो वो तो कुछ लोगों का फिर सर ये भी कहना है कि बीएससी ने अपने जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो अब बढ़ा दिए, इसमें 30-40-50% तक अपने ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ा दिए। अब वो इसी वजह से बढ़ा रहे हैं लोग, उस चीज को कोरिलेट कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो बीएससी ने चार्जेस बढ़ाए हैं, तो किसी भी तरह से किसी भी ट्रेडर को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी बीएससी की जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो एनएससी से कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब पहले उसने जब लॉन्च करा था, रीलॉन्च करा था, तो उसने काफी डिस्काउंट पे रखा था, वो उसको नॉर्मलाइज कर रहा है। वो उनका हक बनता है, वो मार्केट से ज्यादा, क्योंकि लिक्विडिटी लानी है बाजार में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो जब तक वो उनके पास भी कुछ नहीं बचेगा तो वो कैसे वो आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच सर, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और बीएससी एफएनडो जो कि एक उभरता प्रोडक्ट है उसके बारे में आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।